वेलकम चैनल। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर की तरफ से जारी किए गए दो रिटर्न रिजल्ट के बारे में और एक फाइनल रिजल्ट के बारे में। तो उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो यहाँ पर जो रिजल्ट डिक्लेयर किया गया है वो 156 पोस्टों के लिए किया गया है, जिसके पोस्ट कोड की बात करें तो 829 है। तो जेई इलेक्ट्रिकल के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था। तो यहाँ पर बात करते हैं कैटेगरी वाइज पोस्टें, आप चेक कर सकते हो कि किस कैटेगरी में कितनी पोस्ट है। जैसे कि जनरल रिजर्व में 57 है और ओबीसी रिजर्व में 23 है और एससी रिजर्व में 28 है और एसटी रिजर्व की बात करें तो 6 है। बाकी सब कैटेगरी की आप पोस्टें देख लीजिए। और उसके बाद जो यहाँ पे बात करते हैं कि 156 पोस्टें थी, तो यहाँ पे जो टोटल कैंडिडेट्स को बुलाया गया है इवेल्यूशन के लिए तो 471 कैंडिडेट्स को बुलाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर बात करते हैं 9205 आयोग के पास एप्लीकेशन रिसीव हुए थे, जिसमें से कि 7725 कैंडिडेट्स को जो है वो एडमिट कार्ड जारी किया गया था रिजेक्शन लिस्ट के बाद। तो एग्ज़ाम देने के लिए कैंडिडेट आए थे वो आए थे 5566, तो 2159 कैंडिडेट हैं वो अब्सेंट रहे थे। तो 8/8/2021 को ये एग्ज़ाम हुआ था अगस्त में। तो यहाँ पे 471 कैंडिडेट्स को जो है वो बुला लिया गया है इवेल्यूशन के लिए। तो इन जो सभी कैंडिडेट्स का इवेल्यूशन है वो 13 से लेकर 16 दिसंबर को होगा, 15 मार्क्स का जो इनका इवेल्यूशन होता है। तो ये HPSSC हमीरपुर में होगा। तो बात करते हैं नेक्स्ट रिजल्ट के बारे में। तो नेक्स्ट रिजल्ट की बात करते हैं, तो जो 73 पोस्टों के लिए रिजल्ट डिक्लेयर किया गया है तो ये है पोस्ट कोड 886 जूनियर ऑफिस असिस्टेंट अकाउंट्स के लिए। तो इसकी बात करें कैटेगरी वाइज पोस्टें आप चेक कर सकते हो, जनरल रिजर्व में 28 है, ओबीसी रिजर्व में 12 है और एससी रिजर्व में जो 15 पोस्ट है और एसटी रिजर्व की बात करें तो 2 पोस्टें हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बात करते हैं कि कितने कैंडिडेट्स को इवेल्यूशन के लिए बुलाया गया, तो इसमें 227 कैंडिडेट्स को इवेल्यूशन के लिए बुलाया गया है 73 पोस्टों के लिए। तो आयोग के पास 13,094 जो एप्लीकेशन है वो रिसीव हुए थे, जिसमें से कि 10,843 कैंडिडेट्स को एडमिट कार्ड जारी किया गया था। एग्ज़ाम सिर्फ 5,423 कैंडिडेट ने दिया था, 5,420 कैंडिडेट है हाफ कैंडिडेट अब्सेंट रहे थे, ठीक है। तो इन जो सभी कैंडिडेट्स का जो इवेल्यूशन है वो 20 और 21 दिसंबर 2021 को होगा, 15 मार्क्स का इवेल्यूशन जो होता है HPSSC हमीरपुर में ही। तो बात करते हैं जो फाइनल रिजल्ट के बारे में। तो फाइनल रिजल्ट जो रिवाइज़ किया गया है वो LT का रिवाइज़ किया गया, जिसके पोस्ट कोड की बात कर तो 814 है। तो यहाँ पे जो रिज़ल्ट रिवाइज़ किया तो कुछ कैंडिडेट्स जो चेंजेस हो गए, ठीक है। तो आप चेक कर सकते हो कि इन्होंने रिज़ल्ट जो है वो चेंज करा है। तो जैसे इन्होंने हाईलाइट किया है तो राखी जिसके 59.666 मार्क्स है सोलन से, तो ये बाकी आप चेक कर सकते हो जो इन्होंने इनमें चेंजेस है जो इन्होंने हाईलाइट की है चीज़ें, ठीक है। तो अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है। आपको सभी PDF जो है वो वीडियो पोस्ट होने के तुरंत बाद टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम को आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, तो वहाँ पे लिंक पे क्लिक करके चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। अदरवाइज़ आप ये सब PDF जो आयोग की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।